हेलो दोस्तों दोस्तों कुछ ही दिन पहले जो है मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई आपके अर्धवार्षिक पेपर जो है दिवाली के बाद होने वाले हैं, और जैसे ही जो है विमर्श पोर्टल चालू होता है तो मैं जो है आपको उस फिक्स डेट और आपको जो टाइम टेबल लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है टाइम टेबल और फिक्स जितना भी आपका सिलेबस है, कब जो आपके पेपर होने वाले, सभी कुछ चीज़ों पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसे पढ़ लेते हैं, इन्होंने टाइम टेबल से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखे रखे कि भाई हमने स्टूडेंट्स की पढ़ाई किस किस माध्यम से कराई है, तो चलिए उस चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया कि भाई डिजी लैब, ठीक है, जिन विद्यार्थियों के पास जो स्मार्टफोन उपलब्ध थे उनकी पढ़ाई हमने डिजी लैब से कराई है। दूसरा बात करते हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन से कि भाई मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश दूरदर्शन से भी जो है मध्य प्रदेश बोर्ड ने पढ़ाई कराई है। हमारा घर हमारा विद्यालय से भी उन्होंने जो है अध्ययन कराया है। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे, मतलब जिनके पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, उनका जो है हमने उनके गांव की ग्राम पंचायत में टीवी उपलब्ध कराई थी। और समस्या समाधान मतलब 21 सितंबर से जो है हमने स्कूल खोल दिए थे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है पेपर लेने से पहले कि भाई हमने किन किन माध्यमों से जो है बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है कि भाई 21 सितंबर से जो हमने आंशिक रूप से विद्यालय खोल दिए थे जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपनी समस्या लेकर जा सकता था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन। ठीक है, शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा था। ये वो चीज़ें थी जिनके माध्यम से इन्होंने बताया कि भाई हम टेस्ट ले रहे हैं तो भाई हमने बच्चों को पढ़ाया भी है और इन माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि उपरोक्त विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अध्ययन के रिविजन टेस्ट 20 नवंबर से आरंभ होकर कब तक रहेगी? आपके 28 नवंबर 2020 तक संचालित होगी। मतलब आपके जो है अर्धवार्षिक पेपर 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसे जो है यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर का नाम न देकर इन्होंने रिवीजन टेस्ट दिया है, जबकि आगे कुछ पॉइंट आएंगे जहाँ पर आपको पता चल जाएगा टेस्ट है या फिर परीक्षा है। ठीक है, तो चलिए हम जो इस पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अगले हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें आपका दिया हुआ है कि भाई जो पेपर हो गए आपके वो किन माध्यम से हो गए, कैसे हो गए, क्या सिलेबस आएगा, सब कुछ चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है, तो टेस्ट शेड्यूल संलग्न सूची अनुसार वार विषयवार प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर दिनांक 17 नवंबर 2020 को अपलोड किए जाएंगे। सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर शाला के शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 17 नवंबर को जो है आपके जितने भी पेपर रहेंगे सभी विषयों के वो विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और आपके स्कूल द्वारा उसे डाउनलोड करके आपको जो है बांटे जाएंगे। ठीक है, आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कुछ ऐसे पेपर रहेंगे जो कि ऊपर से नहीं आएगा बल्कि आपके स्कूल में ही जो है बनाया जाएगा आपके शिक्षकों द्वारा। ठीक है, तो उनके भी नाम है कि कौन कौन से पेपर ऊपर से आएंगे, कौन कौन से आपके शिक्षकों द्वारा बनाए जाएंगे, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट नंबर थे कि परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों और माता पिताओं के साथ एक बैठक करेंगे। ठीक है, इस बैठक में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से की जाएगी। मतलब यह है कि भाई परीक्षा के एक दिन जो 19 नवंबर रहेगा 2020 इस दिन जो आपकी बैठक रहेगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि 20 नवंबर को आपका पेपर है तो पेपर के एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को आपके माता पिता को स्कूल में बुलाया जाएगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि भाई आपके बच्चे ने घर पर पढ़ाई की है, नहीं की है, कैसे की है, सभी कुछ चीज़ें वहाँ पर डिटेल्स में दी जाएगी। अगला आपका शिक्षक विद्यार्थी उनके पालकों को सूचित करेगा परीक्षाओं का समय निकट होने के नियमित अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्या कि आपके माता पिता अपने बच्चों को समझा सके कि जो है परीक्षा का समय निकट है। ठीक है, अगला आपका कि दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जा रहे रिवीजन टेस्ट में सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य होगे। ठीक है, सभी को भाग लेना होगा, कोई भी इसमें छूट नहीं सकता है। अगला आपका विद्यालय द्वारा इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उसे जो विश्वविद्यालय है वो डाउनलोड करेगा, उसे केवल विद्यालय ही डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे विमर्श पोर्टल पर विद्यालय अपनी आईडी से लॉगिन करेगा, वहाँ से वो डाउनलोड करेगा, कोई भी थर्ड पार्टी है वहाँ पर एक्सेस नहीं रहेगा। अगला आपका इस टेस्ट में विद्यार्थी किताबों के साथ साथ प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। ठीक है, और इसे जो है विद्यार्थी घर बैठ कर भी जो है हल कर सकते हैं। मतलब ये वही चीज़ होगी जो उन्होंने शिक्षा नीति लागू की थी जिसमें कहा था कि भाई कोई भी विद्यार्थी घर पर बैठ कर भी या फिर किताब खोल कर भी जो इसे हल कर सकता है। जहाँ विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे वहाँ प्राचार्य शिक्षकों का दायित्व होगा कि कोविड-19 के संक्रमण की पूरी व्यवस्था, सैनिटाइजर, सभी कुछ चीज़ें शिक्षक उपलब्ध कराएं। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। मतलब आप समझ के चलिए, अगर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश बोर्ड है उन्होंने जो अधिकारी है उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर जो है काफ़ी दिमाग से काम लिया है, उन्होंने यहाँ पर इसे अर्धवार्षिक परीक्षा का नाम न देकर टेस्ट का नाम दे दिया है ताकि कोई मध्य प्रदेश बोर्ड के खिलाफ कोई कुछ बोल ना सके। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा को इनडायरेक्टली टेस्ट के रूप में विस्तारित किया है, जबकि इसे जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के लिए अंकों में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अगला, इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में भी सम्मिलित किए जाएंगे, अतः गंभीरतापूर्वक कार्य की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया था 9th और 11th के जो पेपर रहेंगे आपके, ये 9th और 11th जो क्लास रहेगी इसके अंक जो है आपके फाइनल जो परीक्षा रहेगी उसमें जोड़े जाएंगे आपके अंक सूची में। अगला है, विद्यालय का परिणाम प्राचार्य द्वारा विमर्श पोर्टल पर 5 दिसंबर तक प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके विमर्श पोर्टल पर 5 सितंबर तक आपके जो शिक्षक रहेंगे वो यहाँ पर चढ़ा देगा, समय सीमा में समस्त कार्रवाई सुनिश्चित करें, ठीक है। तो अगले इसमें हम देखेंगे समय सारणी उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र, ऐसे प्रश्न पत्र जो जो विद्यालय में आपके बनाए जाएंगे, टेस्ट हेतु क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा, सभी कुछ चीज़ें आप अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टाइम टेबल। तो ये आपके सामने है 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल, जिसमें आप देखिए 20 तारीख को आपका 9वीं का, सॉरी यहाँ पर 9वीं 10वीं का टाइम टेबल हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 तारीख को आपका जो है गणित का रहेगा 9वीं 10वीं दोनों का, 21 को आपका 9वीं 10वीं दोनों का विज्ञान का रहेगा, 23 को अगर हम बात करें तो आपका 9वीं का हिंदी का, और 10वीं का भी यहाँ पर हिंदी का ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर वही है कि 9वीं का जो पेपर रहेगा 10वीं का भी वही सेम पेपर रहेगा, ठीक है। 25 को भी देखिए सामाजिक विज्ञान दोनों का सामाजिक विज्ञान रहेगा गुरुवार को, ठीक है, और बुधवार को, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी जो इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 11वीं 12वीं का। तो 11वीं 12वीं का भी वही सेम रहेगा, जो देखिए यहाँ पर शुक्रवार को अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम में, ठीक है, साइंस स्ट्रीम में 11वीं की बात करें तो यहाँ पर रसायन रहेगा, ठीक है। और अगर 12वीं की बात करें तो जो है 12वीं के लिए भी यहाँ पर ही रसायन ही रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें शनिवार की तो शनिवार में जो है 11वीं के लिए यहाँ पर हिंदी रहेगा, जबकि 12वीं के लिए जो यहाँ पर जो है विशिष्ट हिंदी रहेगा, ठीक है। 12वीं के लिए भी हिंदी रहेगा और 11वीं के लिए भी यहाँ पर हिंदी रहने वाला है, ठीक है। मंगलवार सोमवार को भी यहाँ पर जो है आपका, अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को साइंस स्ट्रीम में कौन सा पेपर नहीं है, ठीक है, समाजशास्त्र का पेपर जो कि आपका 8 में आएगा। अगला आपका मंगलवार को देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान रहेगा 11वीं 12वीं दोनों का। बुधवार को 11वीं 12वीं दोनों का छुट्टी दी है यहाँ पर बुधवार को। और गुरुवार को जो है यहाँ पर संस्कृत और 12वीं के लिए अगर हम देखें तो ITI, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुक्रवार को आपका इतिहास का रहेगा, ठीक है, 11वीं 12वीं दोनों का। और यहाँ पर आपका शनिवार को जो है अंग्रेजी का रहेगा 11वीं के लिए, और 12वीं के लिए भी यहाँ पर आपका सामान्य अंग्रेजी का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पेपर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि भाई रिवीजन टेस्ट में जो है दिए जाने वाले कौन कौन से विषय रहेंगे आपके, उनकी सूची यहाँ पर दी है, ठीक है। तो आप जो है इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे ध्यान नहीं देंगे, हम जो क्या कक्षा 11वीं 12वीं पर देख लेते हैं कि जो पेपर आपके स्कूल से निकाले जाएंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर आपके संस्कृत का, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि जो आपका एग्रीकल्चर का होता है वो, पशुपालन, फसल उत्पादन और विज्ञान के तत्व, शरीर की संरचना और ऐसे जो ये IP पॉलिटेक्निक, ये जो पेपर है आपके विद्यालय में निकाले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अन्य विषय जो उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र की सूची न हो तथा नियमानुसार शाला में संचालित हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई उर्दू भाषा के भी यहाँ पर जो है पेपर यहाँ पर स्कूल में आपके निकाले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। कक्षा 9वीं की अगर हम बात करें तो कक्षा 9वीं में अध्याय 1 से 2 तक पद्य खंड में, ठीक है, हिंदी की बात कर रहे हैं हम, हिंदी की 1 से 2 तक पद्य खंड में 9 से 10 तक आपके, और ब्रिज कोर्स जो रहेगा आपका, तथा ब्रिज कोर्स जो है आपको हिंदी में कक्षा 9वीं में हर साल ब्रिज कोर्स रहता है, आप सभी को पता है, तो उससे आपका यहाँ पर पूछा जाएगा हिंदी में। अगर बात करें 9वीं की अंग्रेजी की तो आपका अध्याय 1 से 3 तक तथा उसमें ब्रिज कोर्स आपका लिया गया है। संस्कृत की बात करें संस्कृत में अध्याय 1 से 6 तक आपका लिया जाएगा। गणित में आपका अध्याय 1 से 3 तक, उसमें ब्रिज कोर्स भी पूछा जाएगा आपका। और विज्ञान में आपका अध्याय 1, 2, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 9 तक पूछा गया है। अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो यहाँ पर आपका विज्ञान का काफ़ी रूप से कठिन आने वाला है, क्योंकि इसमें आपका तीनों जो आपका भौतिक जीव विज्ञान और जो रसायन विज्ञान होता है तीनों आपका लिया गया है। अगला बात करते हैं 9वीं के सामाजिक विज्ञान की, तो यहाँ पर देखिए भूगोल से आपका 1 कर अध्याय 2, अर्थशास्त्र से भी, राजनीति से भी, इतिहास से भी यहाँ पर लिए गए हैं। कक्षा 10वीं की अगर हम बात करते हैं कक्षा 10वीं से हिंदी सामान्य से अध्याय 1 से 10 ले, और हम बात करते हैं हमारी हिंदी विशिष्ट की तो हिंदी विशिष्ट से पद्य में, गद्य में और सहायक वाचन में 3-3 अध्याय आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आपको 3-3, 6, 9 अध्याय का यहाँ पर पूछा जाएगा। बात करें 10वीं की अंग्रेजी की तो अंग्रेजी सामान्य, अंग्रेजी विशिष्ट से यहाँ पर 1 अध्याय 1 से 6 तक पूछा जाएगा। अगर हम बात करें संस्कृत की तो 2 से 7 तक, गणित की 1 से 6 तक, विज्ञान की आप में 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपका 1 से 5 तक, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो आपका पूरी तैयारी टेस्ट की करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हिंदी की, तो यहाँ पर आरोह देखिए अध्याय 1, 2 और 5, यहाँ पर देखिए पद्य खंड का अध्याय 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर वितान,
आपका जो है यहाँ पर अध्याय 1, 2, 9, 10 यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी का भी यही है, ठीक है। कक्षा 11वीं के हम सीधे 12वीं की बात करते हैं क्योंकि 12वीं आपकी बोर्ड है, ठीक है। कक्षा 11वीं आप पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक दे दूंगा। अगर हम बात करें 12वीं की हिंदी की, तो हिंदी में देखिए 3-3 अध्याय पूछा जा रहा है, अंग्रेजी में भी यहाँ पर 5 वर्क और टेक्स्ट से पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें भौतिक शास्त्र की, तो भौतिक शास्त्र से यहाँ पर देखिए अध्याय 1 से 6 तक यहाँ पर पूछा गया है। रसायन शास्त्र में अध्याय 1 से 5 तक एवं अध्याय 16 भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। गणित में अध्याय 1 से 6 तक। जीव विज्ञान में यहाँ पर हम बात करें तो अध्याय 2 से 10 तक, 7 और 9 को छोड़कर, मतलब यहाँ पर आपको 2 इकाई, ठीक है, 2 इकाई यहाँ पर आपको कराई जाएगी। अगला बात करें कक्षा 12वीं के इतिहास की, तो यहाँ पर देखिए अध्याय भाग 1 में आपके 1 से 4, भाग 2 में आपके 6 से 8 और भाग 3 में अध्याय 11, ठीक है। 12वीं के राजनीति विज्ञान में भी आपका समाकलित विश्व राजनीति 1 से 9 तक कराया जाएगा। अर्थशास्त्र में भी आपका 1 से 5 तक, भूगोल में 1 से 4 तक, व्यावसायिक में 1 से 6 तक और लेखा शास्त्र में 1 से 6 तक आपका कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल से, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, जो प्राइवेट स्कूल है जिन्हें जो है प्राइवेट, जो समझ के चलिए जिन्हें जो प्राइवेट समितियों द्वारा निपटाया जाता है, क्या उन्हीं का भी यही टाइम टेबल सेम रहने वाला है? तो मैं आपको बता दूं उनका सेम नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें वो जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए बिल्कुल यही परफेक्ट है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।